तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। लगभग 125 किलोमीटर के इस रेल लाइन के बनने के बाद छोटा चारधाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा। इस रेल लाइन की 85% से अधिक सेक्शन टनल और ब्रिज से ही क्रॉस कर रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना काफी चैलेंजिंग है। इसके बावजूद भी इस रेल लाइन में कंस्ट्रक्शन की क्या स्पीड है ये देखिए। मात्र 26 दिनों में ही 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा टनल को कंप्लीट कर लिया गया। तो इस वीडियो में हम लोग इस रेल लाइन के रूट को समझेंगे, यानी कि ये चार धाम को कैसे कनेक्ट करेगा, फिर जानेंगे कि अभी तक कितना काम हुआ, कब तक ये रेल लाइन बनकर तैयार होगा और लास्ट में जानेंगे इस रेल लाइन का क्या बेनिफिट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो उत्तराखंड में छोटा चारधाम है यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और हर साल लाखों लोग चारधाम की यात्रा करते हैं। तो इस रेल लाइन के बनने से उन्हें काफी आसानी होगी यात्रा करने में। इसके अलावा उत्तराखंड में लगभग 350 किलोमीटर का इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। तो इस रेल लाइन के बनने से हमारी आर्म्ड फोर्सेज को बॉर्डर तक पहुंचना एवं डिफेंस के प्रोडक्ट को भी बॉर्डर तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पहाड़ी एरिया से काफ़ी ज़्यादा पलायन हो रहा है, यानी कि कनेक्टिविटी, फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट नहीं होने के कारण लोग पहाड़ी एरिया से हटकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो इस रेल लाइन के बनने से पहाड़ों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और विकास के नए अवसर मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस एरिया में इस रेल लाइन के बनने से टूरिज्म ग्रो करेगा। तो इतने सारे बेनिफिट होने के कारण इस एरिया में रेल लाइन की डिमांड काफ़ी पहले से ही की जा रही थी। लेकिन सबसे पहले 1996 में इस रेल लाइन के लिए सर्वे का काम स्टार्ट हुआ और फाइनली 2010-11 के यूनियन बजट में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को अनाउंस किया गया। तो फरवरी 2011 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की घोषणा हुई और नवंबर 2011 में इस रेल लाइन के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया। लगभग 125 किलोमीटर के इस रेल लाइन को 10 सेक्शन में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन शुरुआत के 5-6 साल तक इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखा। 2018 के बाद इस रेल लाइन में फुल स्पीड में काम शुरू हुआ और इसका फर्स्ट सेक्शन मार्च 2020 में ही कम्प्लीट हो गया। तो इस रेल लाइन के फर्स्ट सेक्शन में ऋषिकेश में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो ये है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, जो कि मार्च 2020 में ही बनकर तैयार हुआ और यहीं से स्टार्ट होगा चार धाम को कनेक्ट करने वाली रेल लाइन, यानी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को वीरभद्र रेलवे स्टेशन से कनेक्ट किया गया है और दोनों रेलवे स्टेशन के बीच लगभग 5.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन काफी बड़ा और एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन होगा फ्यूचर में। इनफैक्ट ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सबसे बिजी रेलवे स्टेशन होगा, देहरादून और हरिद्वार से भी बड़ा। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन अभी ऑपरेशनल है। यहाँ से दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, पुरी और प्रयागराज जैसे डेस्टिनेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। तो ये है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। यहाँ से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के जस्ट आगे चंद्रभागा नदी है। इस नदी पर इस रेल लाइन के लिए एक ब्रिज बनाया गया है जो कि बनकर तैयार है, और इसके लगभग 6 किलोमीटर आगे पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। और पहाड़ी एरिया होने के कारण इस रेल लाइन का मैक्सिमम पार्ट टनल या ब्रिज से ही क्रॉस करेगा। लगभग 125 किलोमीटर के इस रेल लाइन में 105 किलोमीटर का सेक्शन टनल या ब्रिज से ही क्रॉस कर रहा है, यानी कि इस रेल लाइन में 85% से अधिक सेक्शन में टनल और ब्रिज ही बनाया जाना है। तो ऐसे में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन सभी सेक्शन में कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है और L&T ने तो मात्र 26 दिनों में ही एक टनल बनाकर रिकॉर्ड बना दिया था। लास्ट मंथ ही ये टनल बनाया गया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने ट्वीट करके इसके बारे में बताया भी था। तो इस रेल लाइन में 17 टनल और 16 ब्रिजेज बनाया जाना है, जिसमें सबसे लंबा टनल लगभग 15 किलोमीटर का होगा जो कि देवप्रयाग के पास बनाया जा रहा है। ये टनल इस रेल लाइन ही नहीं बल्कि इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल होगा। तो लगभग 16,000 करोड़ रुपए के बजट से बन रहे इस रेल लाइन में टोटल 12 रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जिसमें से कुछ मुख्य स्टेशन हैं शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग। पिछले महीने राज्यसभा में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया
कि इस रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण कंप्लीट हो गया है, सभी तरह का फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है, सभी ग्राम सभा से NOC भी मिल गया है, यानी कि अब इस रेल लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी सेक्शन में इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट है और 2024 तक इस रेल लाइन को कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि इस रेल लाइन का क्या फायदा होगा और अभी इसका क्या स्टेटस है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसका रूट क्या है, यानी कि यह चार धाम को कैसे कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें 3-4 अलग अलग कलर की लाइन है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं इस लाइन की। तो जो ग्रीन लाइन है वो अभी फंक्शनल रेलवे लाइन है, यानी कि नवीबगंज, लक्सर, रुड़की, हरिद्वार, रायवाला, डोईवाला, देहरादून और ऋषिकेश, यानी कि ये रेल लाइन अभी फंक्शनल है, ये सभी रेलवे स्टेशन अभी ऑपरेशनल है। इनके अलावा ज़्यादातर लाइन येलो कलर की है, जिनके लास्ट स्टेशन है यमुनोत्री, गंगोत्री, सोनप्रयाग और जोशीमठ। तो येलो लाइन प्रपोज्ड रेलवे लाइन है, इन लाइन के बनने के बाद इस एरिया तक रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का सेक्शन येलो और रेड कलर का है, यानी कि ये सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी हमने इस रेल लाइन के बारे में डिटेल में जाना। यानी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चार धाम रेलवे का पहला फेज ही है। इस रेल लाइन के बनने से कर्णप्रयाग से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना आसान हो जाएगा। जैसे अभी बाय रोड ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में 6-8 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन इस रेल लाइन के बनने के बाद 3 घंटे में ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचा जा सकेगा। तो ये तो हो गया येलो और रेड लाइन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही 4 और लाइन है जो कि बनाया जाएगा ताकि चार धाम रेलवे से कनेक्ट हो सके। इसका सर्वे भी हो गया है और इसमें लगभग 74,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो पहला लाइन है कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक। इस रेल लाइन की लेंथ है 68 किलोमीटर और इस रेल लाइन में 11 टनल और 12 ब्रिजेस बनाए जाएंगे और टनल की टोटल लेंथ हो जाएगी 63 किलोमीटर। तो इस रेल लाइन का 68 किलोमीटर में से 63 किलोमीटर के सेक्शन में टनल और ब्रिज ही बनाया जाएगा, यानी कि इस रेल लाइन का 90% से अधिक सेक्शन टनल और ब्रिज से ही होकर क्रॉस करेगा और इस रेल लाइन में टोटल 4 रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसका सेकेंड सेक्शन है कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग तक, जिसकी लेंथ होगी लगभग 91 किलोमीटर और इस सेक्शन में 19 टनल और 20 ब्रिजेस बनाया जाना है और लगभग 80 किलोमीटर का सेक्शन टनल से क्रॉस करेगा, यानी कि इस रेल लाइन का भी 90% से अधिक सेक्शन टनल और ब्रिज के अंदर से ही क्रॉस करेगा और इस रेल लाइन में टोटल 6 रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। और इसका थर्ड सेक्शन है डोईवाला से उत्तरकाशी, जिसकी टोटल लेंथ है लगभग 102 किलोमीटर और इस रेल लाइन में 21 टनल और 17 ब्रिजेस बनाया जाएगा और लगभग 70 किलोमीटर का सेक्शन टनल और ब्रिज के अंदर से क्रॉस करेगा और इस रेल लाइन में टोटल 9 रेलवे स्टेशन बनाया जाना है। और इसका चौथा सेक्शन है उत्तरकाशी से बरकोट रोड, इसमें 17 किलोमीटर का एक टनल और एक रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। तो बरकोट से यमुनोत्री और गंगोत्री काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए अब देखते हैं ब्लू लाइन, यानी कि सोनप्रयाग से केदारनाथ और जोशीमठ से बद्रीनाथ। तो ये सेक्शन अभी प्रपोज्ड हैं और इसमें रेलवे के प्रोटोटाइप को भी चलाया जा सकता है, यानी कि आने वाले टाइम में चार धाम तक रेलवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और फर्स्ट फेज यानी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन के बाद इन चारों रेल लाइन में भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका भी डिटेल सर्वे ऑलरेडी कम्प्लीट है। खैर, इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन 2024 तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बनने से चार धाम की यात्रा आसान हो जाएगी। इन पहाड़ी एरिया में कनेक्टिविटी अच्छी होगी, बॉर्डर तक पहुंचना आसान होगा और यहां पर विकास के नए अवसर खुलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस रेल लाइन के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप इस पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे रेलवे के अलावा चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है और ये फाइनल स्टेज में है। तो अगर आप चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।